फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हर्ष रावत, आपका गार्डनर दोस्त। तो सबसे पहली बात तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं सीरियसली, आज मैं दो वीक्स के बाद मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इन 2 वीक्स में ना एक्चुअली में मैं बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो अपने गार्डन में कुछ चेंजेस करता हूँ, मतलब कुछ नए चेंजेस के साथ ही आता हूँ मैं। तो आज मैंने ये चेंजेस किए हैं। मैंने जो ये पोल है, पोल में मैंने देखो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, सबके पास अवेलेबल होती है, और लॉकडाउन में तो आती ही रहती है कोक वोक के लिए, तो हमारे घर पे तो आती है। तो मैंने क्या किया, ये एक मेरे पास लोहे का ये ना, मेरे पास एक बड़ा सा डंडा था, तो मैंने इसमें ये 2-4 बॉटल्स को बीच में से कट करके उनको ग्रीन कलर करके इसको ऐसे लगा दिया, जो इतना फैंटसी लुक दे रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और एक में मैंने ये कैक्टस लगाया है, एक में फाइकस, एक में क्रोटन, और एक में यूफोर्बिया मिली, जिसकी हालत अभी भी बहुत बेकार हो चुकी है, पता नहीं क्यों ये अभी जमा नहीं। तो मैं इसमें एक और न्यू कटिंग लगाऊंगा, और कुछ मैंने पता नए प्लांट्स भी लिए हैं, जैसे कि ये देखिए ग्रोस का ये नया प्लांट है, और एक ये प्लांटर भी नया है मेरा। मैंने ये मैंने 40 रुपीज़ का बाय किया है, मतलब मैं 2 लाया था, बट एक किसी को पसंद आ गया तो वो लेके चले गया, और एक मैंने रख लिया। और मैंने क्रोटन्स भी लिए इस वीक में, मैंने क्रोटन ली थी, ये क्रोटन, एक ये देखिए कि ये बरी लीफ वाली है, और ये एक कोलकाता क्रोटन। मुझे क्रोटन्स का ना बहुत शौक है, और मैंने कुछ स्टोन्स भी कलर किए हैं। देखो मुझे स्टोन्स भी कलर करना ना बहुत मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको कलर करने में, बट वो ये ना कि मैं इनको रखूँ भी कहाँ, कहीं जगह ही नहीं है, मतलब इतना मैंने अपने गार्डन को भर दिया है। और ये तो आपको पता ही होगा, मैं अभी यहाँ पे ना मैं डोर बना रहा हूँ मनी प्लांट का, आर्क, अपनी आर्क बना रहा हूँ, आज बस ये बन जाए ढंग से। और एक्चुअली में ना मैं बहुत स्केरी, अभी मुझे बहुत डर भी लग रहा है, बिकॉज सामने देखो आप, यहाँ पे ना लंगूर बैठा हुआ है। और उसी के साथ ये मैंने एक और अपने गार्डन में एक न्यू लुक देने के लिए अपने गार्डन को मैंने क्या किया, हैंगिंग लटकाए हैं, ये तार थी, मैंने इस पोल से ये तार मैंने उस पोल तक लेके गया मैं। और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी 10-10 रुपीज़ की वो लिम्का की बॉटल्स नहीं आती हैं, उनको मैंने कट करके देखो ऐसे लगाया, तो ये भी एकदम बहुत अच्छा लुक दे रहा है मेरे गार्डन को। और मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए 2 यहाँ पे भी मैंने बड़े बड़े डंडे लगाए हैं कि ये गिरे ना, और नीचे इस डंडे के मैंने यहाँ से मैं मनी प्लांट ग्रो कर रहा हूँ कि मनी प्लांट ऊपर तक जाएगा, फिर ऐसे फैलेगा, तो वो बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और इसमें भी देखो मैंने एक में मैंने पोर्टुला का लगाया है, पोर्टुला का, तो ये भी मैंने देखो पोर्टुला का कटिंग्स लगाया है, एक मैंने कॉलियस की कटिंग लगाई है, ये भी कटिंग ग्रो शुरू हो गई है। ये भी मैंने इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, और पोर्टुला का इसमें स्नेक प्लांट, और इसमें कैलेंचू। अब तो मेरा गार्डन में फ्लावर्स वगैरह भी आने, मतलब अब सीज़न है ना पोर्टुला का, कुछ तो आते हैं कुछ आते ही नहीं है। ये मेरा अपराजिता का है, जिसको मैंने अपनी ऊपर वाली गैलरी से ऊपर ले रहा हूँ, तो उसकी भी बहुत अच्छी बेल बन गई है, जो बहुत सुंदर लगती है। और भी मैंने बड़े सारे चीज़, एक मैंने ना फाउंटेन भी बनाया, मैं आपको फाउंटेन दिखाऊँ, ये देखो कितना कितना इसका लुक कितना सुंदर है फाउंटेन। तो मैं आपको पता, मैंने बड़े सारे फाउंटेन्स बना रखे हैं, बहुत कुछ। तो ना अपने गार्डन में ना, मैं आपको बताता हूँ कि अभी ना आप अपने गार्डन में ना चेंजेस करते रहिए, जितने चेंजेस होंगे आपके गार्डन में, आपको गार्डन देखो उतना ही सुंदर लगेगा। ये मेरा गार्डन है, बहुत सुंदर है मेरा गार्डन भी, जितने चेंजेस होते हैं। और मुझे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू, बिकॉज मेरे अब 700 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और बहुत जल्द मैं 1K भी कर लूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।